नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत के गाजियाबाद में बिताई रात, अब नहीं लौटेंगी बांग्लादेश, लंदन में ले सकती हैं शरण। बांग्लादेश जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई के आदेश। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर भीड़ने के हमला, जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों में जिसे जो भी सामान मिला वो ले गए, कुर्सी पंखा कपड़े तक लूट ले गए। मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों ने की घोषणा। बांग्लादेश की राजधानी में उपद्रवी भीड़ ने एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को तोड़फोड़ की, देश भर में चार हिंदू मंदिरों को क्षति पहुंचाई। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति, बंगबंधु भवन और आवामी लीग को लगाई आग। बांग्लादेश से लगी सीमा पर हाई अलर्ट जारी, बीएसएफ के कार्यवाहक डीजी पहुंचे कोलकाता। मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया सरकार का रुख। प्रोस्टोन तिनसोंग ने कहा राज्य सरकार ने पड़ोसी देश में अशांति के बीच बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के बाद इसराइली सेना ने हमास के बड़े कमांडर अबेद अल जुरैरी को मार गिराया। अबेद गजा में आम लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में सबसे बड़ा रोड़ा था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित दो पुराने मकान अचानक ढह गए। बचावकर्मियों ने सभी लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती कारोबार में जोरदार वापसी की। पिछले कारोबार सत्र में भारी गिरावट के बाद एशियाई समकक्षों में तेजी से इन्हें समर्थन मिला। सेंसेक्स 1093 अंक बढ़कर 79852 अंक पर पहुंचा। निफ्टी 327 अंक की बढ़त के साथ 24383 अंक पर बंद हुआ। ये थे आज के बड़े बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।